कुछ चुनाव के कारण पेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है ज़िले में, 10% से ज़्यादा, उस पर अब ध्यान दिया जाएगा क्योंकि फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो जो ये समय है जी। पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी थानों का रखरखाव और मालखाना जो पुलिस की प्राथमिकता में भी है कि 10% उसमें कमी होनी चाहिए जी, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो गाड़ियाँ हैं, कुछ अनक्लेम्ड व्हीकल्स हैं और ये, उससे कुछ हमारे पता भी चल सकता है कि चोरी की भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा, प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। क्या लगता है आपको, डिजिटलाइजेशन का जो चल रहा है मामला पूरा, पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ और सीमावर्ती सरहदी इलाके पाकिस्तान सरहद के नज़दीक हैं, यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्य चलते हैं, चाहे तेल खनन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन चलती हो यहाँ से, तो आपको क्या लगता है कि जो इतना दूरस्थ इलाके के थाने हैं, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के लिए क्या क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए आजकल मोबाइल जो हमारे पास हैं, इससे ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी और क्या हो सकती है। जो 4G का इंटरनेट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल हो गया है, तो रोड्स भी इंटरनेशनल हो गई हैं, तो जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ नॉट एन इशू एनी मोर। ये कोई इशू नहीं है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, गाड़ियाँ दी हुई हैं PHQ में, एक से एक गाड़ियाँ दी हुई हैं। अब वो पहले की पुलिस तो है नहीं कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है या साधन नहीं है, तो जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से चीज़ें मिली हुई हैं। तो आपने थानों का निरीक्षण किया, पुलिस कर्मियों से कई बातचीत की, हथियारों के बारे में जानकारी ली, उनका रिकॉर्ड संग्रहण के बारे में भी जानकारी ली, कई जानकारी ली, आपको क्या लगता है कि पुलिस कर्मी जो है वो पूरी ट्रेनिंग वगैरह उसका फायदा ले पा रहे हैं? देखिए फील्ड में जो पुलिस कर्मी रहते हैं उन्हें हम ही ज़्यादातर, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग आती है और हम नहीं भेज पाते कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज होती है या VIP मूवमेंट होता है या इलेक्शन है, तो इसमें पुलिस कर्मियों का कोई ऐसा दोष नहीं है। जितना हम भेज सकते हैं हम भी भेजते हैं, हमें भी मैन पावर को मैनेज करना होता है, तो काफ़ी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। हमें अभी जैसे 3 थानों में गई हूँ, तो उनमें से दो, मतलब हर थाने से एक जन तो ट्रेनिंग में ही है, एक दो जन, तो रोटेशन वाइज हम पुलिस कर्मियों को थाने भेजते हैं, तो सॉरी ट्रेनिंग भेजते हैं।